गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले हैं। सोजी पुलिस व मुरादानगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने विधानसभा चुनाव के प्रभावित करने से पहले अवैध हथियारों की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध हथियार हुए बरामद। इससे पहले भी मुरादानगर क्षेत्र में ही किसी घर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री कारखाना पकड़ा गया था। एक बार फिर इस पुलिस ने अवैध हथियारों की पकड़ कर हुए प्लस जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनको देखते हुए एक अवैध असलहों पे नियंत्रण लगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत हमें जानकारी मिली कि वापस से मुरादनगर में एक और अवैध असलहे की फैक्ट्री चल रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम और जो लोकल थाना मुरादनगर है वहाँ की टीम ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करी है। और इसमें ये गुड़ मंडी के पास जीतपुर है, वहाँ पे स्थित एक मकान था। ये मकान जो कि जहीरुद्दीन का है, उस मकान पे एक बेसमेंट था, बेसमेंट के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी। और इस पे मौके से जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें पांच व्यक्ति हैं जो मौके से गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम अमन उर्फ अन्नू, नूर हसन सैफी, सलमान कुरैशी, सुहेल मलिक और यूसुफ रांगड़ हैं। इसके अलावा अन्य चार व्यक्ति जो वहाँ थे वो भागने में सफल रहे हैं, वो हमारे वांछित हैं। वो हैं अब्दुल सलाम, हाजिज जुल्फकार, चांद पहलवान, शाहिद मामा। ये सारे अभियुक्त मूलतः मेरठ से हैं, इनमें से एक है दिल्ली से है, एक हापुड़ से है, बाकी ज़्यादातर मेरठ में बेस्ड हैं। और इसमें ये जो मकान है ये जहीरुद्दीन का जो मकान है, जहीरुद्दीन पहले भी जो अवैध असलहे की फैक्ट्री पकड़ी गई थी वो भी इसके मकान में ही पकड़ी गई थी। तो इस पूरे मामले में भी उसकी भूमिका पाई गई, उसके घर में ही ये जो सारा कारोबार चल रहा था उसके घर से ही हो रहा था, तो उसकी हम तलाश कर रहे हैं। सर किस किस तरीके से है और कहाँ पर ये सप्लाई कर रहे हैं? इसमें जो जैसे जहीरुद्दीन का जो नाम है, चूंकि पहले भी कई बार इस तरह की चीज़ों में उसका नाम सामने आ चुका है, ये जो घटना है वो भी उसके घर पे ही चल रही थी, तो मुख्य कॉन्स्पिरेटर वही है। हालांकि चूंकि अभी वो मौके पे था नहीं, तो हम पूछताछ में उसके बारे में जो भी बातें आएंगी उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इसमें जो बाकी लोग थे, अमन उर्फ अन्नू जो है ये एक बड़ा सप्लायर था, और बाकी जो अन्य व्यक्ति मौके से मिले हैं इनका रिटेल सप्लाई टाइप का काम था। जो उसकी मुख्य डिमांड है बेसिकली ये मेरठ में चूंकि बेस्ड हैं, और तो इनका दिल्ली NCR ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे जो भी डिमांड होती है इसमें सप्लाई करते हैं। सर प्राइवेट जाना चाहेंगे तो